अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फीड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही हो, लाइक अगर आपका स्टमक का इशू हो गया है, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको फौरी तौर पर घर पर आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स दूँगी। इससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, वोमिटिंग की कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि हमें वोमिटिंग क्यों होती है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, लाइक हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है। सेकंड ये है कि हम लोग कहीं सफ़र पे जाते हैं, ट्रैवल करने की वजह से भी अक्सर लोगों को वोमिटिंग होती है। तो उसको फौरी तौर पर आप घर पर किस तरह से इलाज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अदरक का जूस। ये मेरे पास है अदरक का जूस। आपको चाहिए 1 टेबल स्पून अदरक का जूस। इसको किस तरह से आप निकाल सकते हैं, अदरक को सिंपली आपने ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद उसको निचोड़ कर आपने अदरक का रस निकाल लेना है। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है लेमन। लेमन का भी हमें इसमें जूस चाहिए। लेमन बहुत अच्छा होता है, हमारा जो टेस्ट होता है उसको बेटर करता है ये, और जो वोमिटिंग है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करता है। तो इसमें अगर आपने 1 टेबल स्पून अदरक का जूस लिया है तो आपने 1 टीस्पून इसमें लेमन का जूस लेना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आपने पी लेना है। इससे आपकी वोमिटिंग फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड चीज़ आपने करनी है वो है अदरक का आपने टुकड़ा लेना है। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसका छिलका उतार लें और उसको आपने चबाना है। 5 मिनट तक उसको चबाना है मुंह में। इससे आपकी वोमिटिंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप नमक को भी टेस्ट कर लें, थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लें, ये भी बहुत अच्छा होता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपकी वोमिटिंग एक दिन से ज़्यादा है, लाइक आपने ये चीज़ें भी यूज़ की हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। इट मीन्स आपका कोई सीरियस इशू है। इसके अलावा अगर आपकी वोमिटिंग के साथ साथ आपको लगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका वोमिटिंग के साथ आपको फील हो, चेस्ट पेन हो रहा है या फिर हाई फीवर आपको हो गया है, तो इन सिचुएशन में भी आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।